हे दोस्तों, अगर आपको गणेश जी का मूर्ति बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और आपको सीखना है कि कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से गणपति मूर्ति बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने गणेश जी का ये फोटो देखा ही होगा, तो आज मैं इसी फोटो के जैसा एक मूर्ति बना के दिखाऊंगा और वो भी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा कि मैंने एक मिट्टी से प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं गणेश जी को बैठा हुआ बनाऊंगा जैसा फ़ोटो में है, ठीक है। तो देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गणेश जी का पैर और गणेश जी का जो कपड़ा है उसको देखिए मैंने बना दिया है। अब ये देखिए, मैंने पैर बना दिया, अब मैं कपड़ा को बना रहा हूँ। और उसके बाद देखिए, मेरे हाथ में एक क्ले टूल से लकड़ी का, ठीक है। तो इसी क्ले टूल्स की मदद से गणेश जी का कपड़े में मैं डिज़ाइन कर दूंगा। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, आज का ये गणेश जी का जो मूर्तियाँ बनाऊँगा ना, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, मतलब बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप जो मूर्ति बनाते हैं वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग बना नहीं पाते। तो हम बिगिनर्स के लिए एक मूर्ति बना के सिखाइए, तो इसीलिए आज ये मूर्ति में बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी मूर्ति बनाना नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा बना दिया। अब गणेश जी का जो पैर है, पैर का नाखून, तो देखिए नाखून को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो क्ले टूल्स है उसकी मदद से मैंने बना दिया, ठीक है। तो गणेश जी का पैर हो गया, अब गणेश जी का पेट बनाना है। तो देखिए, मैं मिट्टी से एक बॉल जैसा बना लिया है बड़ा सा, और उस बॉल को देखिए मैं इधर फिट कर दिया, और पीछे मैं मिट्टी से बॉल को अच्छे से अटैच कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया गणेश जी का पेट। अब गणेश जी का पेट को मैं अच्छे से बनाऊंगा, अपने उंगलियों से ऐसे प्रेस कर दूंगा, तो ये हो गया गणेश जी का नाभि, ठीक है। ये देखिए, इधर मैं क्ले टूल से एक छोटा सा होल कर दिया, तो ये हो गया गणेश जी का पेट। अब गणेश जी का चेस्ट बनाना पड़ेगा, तो ये देखिए, मैं मिट्टी से थोड़ा सा मोटा करके कॉइल बना लिया है, और उससे मैं गणेश जी का चेस्ट बना दिया, और पीछे से मिट्टी से चेस्ट को अटैच कर दिया। तो ये हो गया गणेश जी का चेस्ट। अब बनाना पड़ेगा गणेश जी का गला, ठीक है। तो ये देखिए, मैं गणेश जी का जो गला है, गले में थोड़ा सा मिट्टी डाल रहा हूँ, तो ये बन गया गणेश जी का गला। गले के बाद अब क्या बाकी रहेगा, अब रहेगा फेस। तो ये देखिए, अभी मैं मिट्टी से एक बॉल बना लिया और उसको मैं गले में फिट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। और पीछे से मैं मिट्टी से फिर से इस जो फेस है इसको मैं अटैच कर दूंगा, ताकि ना गिरे। तो ये देखिए, फेस मैंने अटैच कर दिया। अब फेस के सामने जो सूंग है गणेश जी का, सूंग को देखिए मैं बना रहा हूँ, मिट्टी से ऐसे क्वाइल बना दिया, तो ये हो गया गणेश जी का सूंग। अब इसको अच्छे से फिनिशिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, आज ये जो मैं मूर्ति बना रहा हूँ गणेश जी का, इसमें मैं कोई भी स्ट्रक्चर नहीं डालूंगा, ठीक है, सिर्फ मिट्टी से मैं इस मूर्ति को बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब गणेश जी का आँख बनाना पड़ेगा। तो आपने उंगलियों से थोड़ा सा प्रेशर दे दिया, तो उधर थोड़ा गड्ढा हो गया, अब उस गड्ढे के अंदर आँख को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज ये जो गणेश जी का फेस में बनाऊँगा, ये थोड़ा अच्छे से बनाऊँगा, ताकि फेस देखने बहुत ही अच्छे लगे। इसमें हो सकता है कि आपको ये फेस बनाना थोड़ा कठिन लगे, थोड़ा मुश्किल लगे, बट क्या है ना कि फेस अगर अच्छा नहीं बने ना, तो मूर्ति भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फेस को मैं थोड़ा अच्छा बनाऊंगा, और आप भी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आँख को बना दिया है क्ले टूल्स की मदद से, अब दूसरे आँख को बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी बीच मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप अगर गणेश जी से प्यार करते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गणेश जी के बारे में कुछ कमेंट कर दीजिए अच्छा सा, या फिर आप एक रेड हार्ट कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए, गणेश जी का फेस आँख बनाना हो गया है। अब गणेश जी का कान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कान भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगा, आप देखेंगे कि मैं कैसे कान को बनाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सूंग और गणेश जी का गाल में थोड़ा मिट्टी लगाना पड़ेगा, ये देखिए। तो इसके बाद गणेश जी का फेस देखने में बहुत ही क्यूट लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए, गणेश जी का जो
फेस है उसमें मैं फेस बनाऊंगा थोड़ा सा स्माइलिंग टाइप का, तो इसलिए देखिए जो मुंह है ये मैं थोड़ा स्माइलिंग टाइप का बना दिया। तो आप देखिए ये है गणेश जी का कान, ठीक है। देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कान को बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों गणेश जी का जो फेस है ना ये थोड़ा एक साइड में झुका हुआ है, ठीक है, तो इसलिए कान भी आपको वैसे देना पड़ेगा, एक साइड पे थोड़ा ऊंचा और एक साइड पे थोड़ा नीचा, ठीक है। ये देखिए मैं ये राइट साइड पे गणेश जी का कान थोड़ा मैं नीचे बना रहा हूँ और लेफ्ट साइड पे ऊंचा, ठीक है। ये देखिए अब क्ले टूल से कान का जो दाग है ये मैंने दे दिया, तो इसके बाद देखिए ये कान देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये तो हो गया गणेश जी का कान, अब हमको क्या बनाना पड़ेगा गणेश जी का बाल, ठीक है। ये देखिए मैं मिट्टी से गणेश जी का बाल मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं बना रहा हूँ, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आई होप अभी तक आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगा इस मूर्ति को बनाने में, एंड आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक तो आपको भी सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाने का। तो ये देखिए मैं क्ले टूल्स की मदद से गणेश जी का बाल को ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाल बन गया, अब हमको गणेश जी का हाथ बनाना पड़ेगा। तो मैं एक मिट्टी से कॉयल बना लिया, ठीक है। ये देखिए मैं कॉयल बना के और इस तरीके से मैं हाथ को बना दिया, एंड हाथ को बनाने के बाद ऐसे बॉडी के साथ मैं फिट कर दिया, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, एंड ये दो हाथ होगा जैसे हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं कृष्णा के जैसा, तो ऐसे मैं हाथ को बना दिया, एंड हाथ का अभी नाखून बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए फिर से मैंने एक क्ले टूल्स ले लिया और कुछ इस टाइप से मैं गणेश जी का नाखून को देखिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये नाखून बन गया, अब इसको जस्ट इधर लगा देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिट्टी लेके ऐसे करके मिट्टी डाल के इधर नाखून बांध देना है, ठीक है। उसके बाद बूढ़े उंगली, ये देखिए ये उंगली लगा दिया मैंने। बाद में इस हाथ में मैं बांसुरी को सेट कर दूंगा, ठीक है, मिट्टी से एक बांसुरी बना दूंगा उसको लगा दूंगा। तो कुछ ऐसे ही करके मैं जो दूसरा हाथ है उसका उंगली को मैंने देखिए बना दिया, ठीक है, सेम प्रोसेस में बस उल्टा करके। ये देखिए तो ये दो हाथ बन गया, ठीक है। अब हाथ बनाने के बाद क्या करना होगा, हमें पूरी बॉडी को अच्छे से थोड़ा क्लीन करना होगा अपने उंगलियों से, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैंने अपने बॉटल में थोड़ा पानी ले लिया था, उसको देखिए मैं स्प्रे कर दिया पूरे मूर्ति में, एंड उसके बाद अपने उंगलियों से पूरी मूर्ति को मैं अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लीन करने के बाद हमको थोड़ा ब्रशिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको गणेश जी का जो गहना है, ठीक है, जो फिनिशिंग है वो अभी करना पड़ेगा। तो आप ब्रशिंग के बाद ही अपना गणेश जी का मूर्ति का फिनिशिंग करना, ठीक है। तो देखिए मैं ब्रशिंग अच्छे से ब्रशिंग कर दिया, तो ब्रशिंग करने के बाद गणेश जी का जो गहना है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ज्वेलरी। तो ये देखिए गणेश जी का माथे में जो मुकुट है, मुकुट में बना रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मिट्टी का कॉयल बना लिया पतला सा, एंड छोटा छोटा मिट्टी का बॉल एंड जो कॉल का जैसा बना लिया, एंड ये सब सिर्फ इधर फिट करना है, ठीक है, लगा देना है। तो लगा दिया, ये देखिए गणेश जी का एक बहुत ही सिंपल तरह से एक मुकुट बन गया, ठीक है। अब क्ले टूल से कुछ डिज़ाइन बना देना है, तो मुकुट बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो गणेश जी का मुकुट तो बन गया, अब जो नेक्स्ट है वो है गणेश जी का हाथों में, पैर में ये सब ज्वेलरी, ठीक है, और फेस में कुछ डिटेलिंग करना होगा। ये देखिए मैं आँख में आँख का मणि दे दिया, ठीक है, और सूंघ के ऊपर कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन, बस जो क्ले टूल से उससे मैंने ये सिंपल डिज़ाइन बना दिया, ठीक है, फेस का। अब देखिए हाथ में गणेश जी का चूड़ी हाथों में बना दिया और पैरों में भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए गणेश जी का दांत बना दिया हमने, ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए बॉडी में जो एक माला है, ठीक है, ये देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मिट्टी से कॉयल बना लिया पतला करके और उससे गले का माला बना दिया। उसके बाद पैर का जो बाला है पैर में, उसके बाद गणेश जी का माथे में एक मोर का पंख होगा, ठीक है, जैसे कि कृष्णा का होता है, कृष्णा भगवान का,
तो देखिए उस टाइप से मैं एक मोर का पंख जैसे बना रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब इसको मैं गणेश जी का माथे में लगा दूंगा। ये देखिए, पहले थोड़ा सा मिट्टी लगा दिया, उसके बाद उस मिट्टी से ये जो मोर का पंख है इसको देखिए मैं लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ एक और चीज़ बाकी रह गया है, वो है गणेश जी का बांसुरी। तो ये देखिए, मैं मिट्टी से फिर से एक क्वाइल बना लिया और उसको देखिए मैं गणेश जी का हाथ में ऐसे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इसके आगे के हिस्से में थोड़ा सा ऐसे बांसुरी जैसे बना दिया। तो ये हो गया बांसुरी। अब हमको गणेश जी का जो वाहन है मूसक, मूसक को भी बनाना पड़ेगा। ये देखिए, तो मूसक को भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, जस्ट मिट्टी से ऐसे बना के इधर बैठा दिया। अब बिठाने के बाद पीछे थोड़ा सा मिट्टी लेकर अटैच कर दिया, ठीक है, ताकि ये गिर ना जाए। ये देखिए, ये मूसक का कान, ठीक है, और ये मूसक का पैर हो गया पीछे के पैर, ये सामने का पैर, उसके बाद पूछ बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं मूसक का पूछ बना दिया। ठीक है, तो पूछ बनाने के बाद अब हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा डिज़ाइन करना होगा जो नीचे सिंहासन है उसका। तो वो भी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगा। ये देखिए, मैं क्ले टूल से ऐसा धब्बा बना दिया और जो पेन के पीछे के हिस्से से, ठीक है, ये पेन है जिस पेन से हम लिखते हैं, वो पेन है, पेन के पीछे के हिस्से से ऐसा करके राउंड करके डिज़ाइन बना दिया। और इसी के साथ हमारा जो मूर्ति है ये पूरा बन के रेडी हो गया है। तो ये है फाइनल लुक। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ गणेश जी के बारे में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।